मिला कुछ नहीं है इसको, लेकिन गुस्सा बहुत है और उस गुस्से को उसने दिखा दिया 2 अप्रैल 2018 में। पूरा समाज तैयार है, कहीं कमी नहीं है, कमी अगर है तो नेतृत्व की है। नेतृत्व विहीनता है और जिसने भी ईमानदारी से त्याग से काम किया है, रिजल्ट्स मिले हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स पाए हैं, कांशीराम जी ने अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स पाए हैं, यहीं बैठे हैं रावत जी। रावत जी आदमी विशेष का नाम लेना ठीक नहीं लेकिन लेना पड़ेगा। उदित राज को आपने बनाया, 2-3 संस्थाओं ने, चले गए हरनोटिया जी, उसको रिजल्ट मिल गया अपनी जिंदगी में, अच्छा मिला बुरा मिला, उसकी दौड़ जहां तक थी चला गया। दलित के लिए जो काम करता है उसे रिजल्ट मिल जाता है। फील्ड इतने हैं जिसका कोई ठीक नहीं, लेकिन हमारी सारी एनर्जी इसी अनटचेबिलिटी को दूर करने में लग गई। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बाबू हो, वकील हो, जो भी है, सब परेशान हैं और इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं जिसका कोई ठीक नहीं, लेकिन हमारे पास प्रवक्ता नहीं है। क्रिश्चियनों के साथ थोड़ी सी जाति हुई, 2 आदमी जाके राष्ट्रपति से मिल लिए। मुसलमानों के साथ होती है, 2 आदमी चले जाते हैं उनके। क्या हमारा कोई प्रवक्ता है शेड्यूल्ड कास्ट में? क्यों नहीं है? ये बात 1994 में भी हमने देखी थी, जब पनवारी कांड हुआ था और आंध्र प्रदेश में सुंदरू कांड हुआ था। एक पीढ़ी गुजर गई है, अब उसमें से 2-4 आदमी नजर आ रहे हैं जिस पीढ़ी को मैं देखा करता था। वो पीढ़ी गुजर गई और उनको गोल्डन टाइम मिल गया। अब जो हमारी पीढ़ी आई है, इसको गोल्डन टाइम, इसका गोल्डन टाइम कब कैश होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसे अगर प्रॉपर नेतृत्व मिल गया तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो वर्तमान सत्ता में लोग बैठे हैं उसको हटाना आसान नहीं है। कितना राजनीतिक मेंबर है उनका, कितनी संस्थाएं हैं, कितने कैडर चलते हैं। हम भगवान भरोसे बैठे हैं, जबकि भगवान हमें पता भी नहीं है, मानते नहीं है डॉक्टर अंबेडकर का बताया हुआ। कैसे अंत होगा पता नहीं है इसका। हम ये सोच रहे हैं, हम ये कहते हैं, जिससे भी बड़े बूढ़े से पूछते हैं कि जो आया है जाएगा, जो आया है जाएगा। अरे जाएगा कैसे, ये तो बता दीजिए जाएगा कैसे। बैलेट ले आओ। दलित राइट्स के लिए कभी बैलेट और बंदूक की बात नहीं हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने सारे अधिकार हमें दिए, बिना बैलेट के, बिना एक दिन जेल जाए। काशीराम जी ने राजनीतिक पकड़, राजनीतिक नेतृत्व दिया और एक प्रदेश में राज किया बिना किसी बैलेट के। वो हल नहीं है, हल है बैलेट। नहीं, आप पिट जाएंगे। आपको नहीं पता है गांधी जी पागल नहीं था, गांधी जी पागल नहीं था। गांधी पिक्चर देखे, अगर हमें आपको बात करनी है तो बाद में करेंगे, मुझे कहने दीजिए। गांधी पागल नहीं था, गांधी 45 करोड़ लोगों को लेके पागल नहीं था। गांधी फिल्म देखे हैं, जब घोड़े लेके आ जाता है तो वो लेट जाते हैं। सत्ता में ताकत बहुत होती है, कुछ नहीं कर सकेंगे, आपको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है, सड़क पे आने से भी फायदा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, और हमें ज्यादा करना पड़ेगा होमवर्क, फील्ड वर्क। जो गवर्नमेंट का आदमी, जो हम रिजर्वेशन से आए हैं, रिजर्वेशन वाला आदमी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना जानता है। जिस रोज वो गवर्नमेंट पोस्ट से चला जाता है, उसी रोज उसकी हवा निकल जाती है, ऐसे हो जाता है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो। बातें बहुत बढ़ बढ़ चढ़ के करता है, लेकिन आप रिबेरो को देखिए, गोवा का आदमी है, डीजीपी बनाया था पंजाब का, बात करता है क्या,
मैं एक अदनासा आदमी हूँ, आप लोग भी बहुत, मैं नहीं समझता हूँ कि भाई पोर्टल फिगर पर्सनालिटी उस तरीके से हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट का आदमी निकला हुआ कोई डीजीपी बात करता है कि दलितों के साथ जाति हो रही है, तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है। इतना बड़ा आदमी कह रहा है, कोई ना कोई बात जरूर है। हमारा आदमी कहता ही नहीं है, 25 आदमी कम से कम डीजीपी लेवल के, डायरेक्टर जनरल लेवल के लखनऊ में बैठे हैं, हर एक प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, जगह जगह बैठे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? इनको क्या अठनी चवनी चाहिए? इनको राजदूत बनाएगा कोई? क्या बनाएगा? किसी भी आंदोलन के लिए जो आंदोलन पढ़ते हैं करते हैं, मैंने 2-3 जगह पे देखा इनको। रजनी कोठारी का एक इंस्टीट्यूट है राजपुर रोड 30,000 के सामने, जिसमें योगेंद्र यादव और ये कई लोग निकले हुए हैं। एक बार रजनी कोठारी ने बताया, PWG था इसमें आंध्र प्रदेश में, पब्लिक वार ग्रुप, पीपल्स वार ग्रुप, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो उसको रजनी कोठारी को बुलाया उन्होंने, और रजनी कोठारी को बुला के पूछा, हमने इतना काम कर लिया, अब हम क्या करें, अगला एक्शन क्या होना चाहिए? तो हम लोग जो बैठे हैं सबके सब, हम करने के लिए हैं, बताने के लिए नहीं। हमें, हमने अपनी जिंदगी सरकारी दफ्तरों में गुजार दी। कोई LDC लगा था, सेक्शन अफसर रिटायर हो रहा है, कोई चपरासी लगा था, वो UDC रिटायर हो रहा है। हमें पता नहीं आंदोलन चलता कैसे है। हमें सोशल साइंटिस्ट बुलाना चाहिए और उसको ये सब्जेक्ट देना चाहिए, घंटा दो घंटा उससे बातचीत करनी चाहिए, उससे पे बुलवाना चाहिए। मैंने देखा है 2-3 आदमी को, और भी हैदराबाद में एक बार मैं था एक सेमिनार में, तो वहाँ एक कपूर को बुलाया और उस कपूर ने इतना बढ़िया समझा आधे घंटे में, जो हम 4 घंटे में भी बात नहीं कर सकते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट को बुलाइए, आइडेंटिफाई कीजिए, दिल्ली में कई सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको सब्जेक्ट दीजिए कि भाई हमारी ये परेशानी है, आप हमें एड्रेस कीजिए, उसको पे कर देंगे, पे करना चाहिए हमें, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल से चल रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसिस कैश करना चाह रहे हैं, इससे नहीं होगा। ये जो बालक राम जी जैसे लोग आए दिल्ली में, प्रोस्टिट्यूशन के कुछ काम हो रहे हैं उल्टे पलटे, उसमें क्या हुआ, एक पार्टी 4-5 महिलाएं नोएडा में पकड़ी गई, तो अगले रोज उनको पेश किया गया। एक लाला ने उनको अपने आदमी भेजे और कहा कि इनकी फटाफट जमानत करो। उसने पूछा, भाई जमानत क्यों करें हम? अरे तुम करो जाके। उन्होंने जमानत की, उन लेडीज ने पूछा, आपने हमारी जमानत क्यों ली? बोले, हमारे लाला जी से मिलो। वो लाला जी के पास ले गया उनको, उसने कहा कि आप यहाँ पकड़े गए ना, आप द्वारका में ये काम कीजिए, फाइनेंसर मिल गया ना। ऐसे गंदे कामों के लिए भी फाइनेंसर मिल गए। हमारे पास फाइनेंसर नहीं थे, अब हमें फाइनेंसर मिल गए हैं, हमें लीगल एडवाइजर मिल गए हैं। जो जितने भी आंदोलन होते हैं वो दो लेवल पे, उन्हें बहुत एड चाहिए। जबलपुर जैसी जगह पे मुझे रहने का मौका मिला, तो वहाँ 8-8, 10-10 हज़ार आदमी एक एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके 4 आदमी स्ट्राइक कर बैठे, वो गेट पे बैठ गए। उन दिनों तनख्वाह मिलती थी 200 रुपया, अब लास्ट डेट में मिलती, पहली तारीख को तनख्वाह मिलती थी, तो उनके घर भी तो जाने चाहिए ना पैसे, जो जो 4 बैठे, और 4 कर दिया सस्पेंड। वो चद्दर पकड़ के बैठ गए 4 आदमी, और सबने एक एक रुपया डाला, 8,000 आ गए। जहाँ उनको 200-300 रुपये मिलते थे, वहाँ 2,000 के हिसाब से मिल गया, तो चिंता खत्म होगी, चूंकि उसका भी परिवार पलना है। दूसरा, अगर कहीं मारपीट होगी और कोई लड़का फंस गया, तो उसके लिए लीगल एडवाइजर भी, तो ये भी तैयार हो गए हैं। तो आंदोलन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब सवाल है लीडरशिप का, कि लीडरशिप कैसे आए। ये सवाल कोई ऐसा नहीं है जैसे घर के बच्चे मांगते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, वो मेरे बस की नहीं, पैसा दे दो, वो भी मैं देना नहीं चाह रहा। सही हालत हमारे समाज की है, इसमें प्रयास करते रहिए बालक राम जी। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने मुझे सुना।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।